Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top. Hi guys, welcome back to my another video. और आप देख रहे हैं RJ Vlogs. और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है. आज हम आपको दिखाने वाले हैं क्यूट क्यूट पपीज. कौन सी ब्रीड है वो हम आपको नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा वीडियो के अंदर. आज हम जा रहे हैं गौरव भाई के फार्म पे, तो चलो चलते हैं फार्म पे, मिलते हैं आप सभी से लोकेशन पे पहुंच के. सनी भाई, आज हम गौरव भाई के फार्म पे जाने वाले हैं, चलोगे आप? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तो चलो चलते हैं. आज आपको भी मिलवा देते हैं गौरव भाई से. हाँ चलो चलते हैं. पहुंच चुके हैं गांव के एंट्रेंस पे, अभी हमें अंदर जाना है. थोड़ी सी दूर जाने के बाद हम पहुंच जाएंगे गौरव भाई के फार्म. तो गाइस पहुंच चुके हैं गौरव भाई के फार्म पे, और अभी दिखाते हैं आपको यहाँ पे तिब्बतन मैस्टिफ के पपीज. ये देखिए यहाँ का नजारा, देखिए खुले हुए खेत है, बगल में ट्रेन की पटरी है, और ये हमारा ब्रोक, ये अपने हंटर का सन है. हाय ब्रोक, कैसा बेटे, पहचान लिया तूने मेरे को? पहचाना कि नहीं पहचाना? पहचान लिया. अरे वाह, पहचान लिया ब्रोक ने मुझे. ये देखो गाइस, ब्रोक ने मुझे पहचान लिया. और इसकी कटिंग देखो गाइस, कैसा हो चुका ये गाइस. हेड देखो आप इसका, कितना बड़ा हेड हो चुका है इसका. ये देखो गाइस, और इसकी आप बॉडी की लैंग्वेज देखो गाइस, कितना गठीला हो चुका है ये. हाँ ब्रो, अरे मैं उलझ जाऊंगा यार, मेरी टांग टूट जाएगी चेन में उलझ के. रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इतना प्यार इतना प्यार. रुक जा बेटा रुक जा, बस बस बस, मिलूंगा तेरे से, मिलूंगा मिलूंगा. अरे मिलूंगा बेटो, मिलूंगा मिलूंगा. अरे मेरी टांग तोड़ेगा तू, मान जा. गाइस इसको मेरे साथ ना खेलना है, इसने मुझे पहचान लिया, ये मेरी टांग के साथ खेल रहा है. और मुझे डर है कहीं चैन में उलझ के मैं गिर ना जाऊं, मेरी टांग ना टूट जाए. ये देखो गाइस, कुछ भी नहीं कह रहा. ये देखो इसके मुंह में भी हाथ डाल दिया मैंने, फिर भी कुछ नहीं कह रहा ये. तो सनी भाई कैसा लगा आपको हमारा ब्रो? भाई तबाही है ये तो. इसकी बॉडी देखी आपने? बिल्कुल भाई, बॉडी किस शेप में इसकी? बिल्कुल सनी देओल है ये तो. अरे भाई बिल्कुल सनी देओल ही है ये, अपने हंटर का सन है. हाँ, इसकी मदर जो है ना वो है रोट विल्लर और पिटबुल मिक्स, और फादर इसका हंटर. तो देखो इसकी बॉडी लैंग्वेज देखो कैसी आई हुई है. तो चलो आपको दिखाते हैं तिब्बतन मैस्टिफ के पपीज, और मिलवाते हैं अपने गौरव भाई से. गाइस ये अपना शेरू, ये अपना गद्दी डॉग है. हाँ शेरू, शेरू मुझे सूंघ रहा है, स्मेल ले रहा है ये मेरी. ये भोटिया डॉग है, और गद्दी डॉग भी कह देते हैं इसको लोग. ये देखो कितना प्यारा है, ये हेलो कर रहा है, हेलो करो. ये देखो ये मेरे साथ हेलो कर रहा है. हाँ बेटा. गाइस मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि मैं इससे मिला नहीं हूँ ना इतना. ये तो कुछ नहीं कह रहा, बट मेरे दिल में धक-धक हो रही है. सनी भाई आप मिलाओ एक बार इससे. हेलो भाई, मेरे को तो डर लग रहा है. डर लग रहा है, चलो मैं मिलाता हूँ, आप एक बार शूट करो. हेलो, ये देखो गाइस दोनों पैरों पे खड़ा ही है. हेलो करो, गुड बॉय. ये देखो सनी भाई कैसे हेलो कर रहे, मुझे डर लग रहा है अंदर ही अंदर, मिला नहीं हूँ ना कभी भी. मुझे भी डर लग रहा है, तभी मैं हेलो नहीं कर रहा. हेलो कर. तो गाइस मुझे ना डर लग रहा है अंदर ही अंदर, क्योंकि मैं इससे मिला नहीं हूँ ज्यादा. आज इसको मैं पहली बार टच कर रहा हूँ. अंदर ही अंदर धक-धक हो रही है, कुछ कहना था बट ये कुछ कहता नहीं है. देखो ये छोटे छोटे पपीज घूम रहे, इनको भी कुछ नहीं कहता है. और ये देखो मैं इसके सिर पे भी हाथ लगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा. हाँ हाँ बेटे हाथ. ये देखो गाइस, लेकिन गाइस अपने डॉग से तो मिलता रहता हूँ, इससे हैवी डॉग है हंटर, लेकिन मुझे इससे डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं इसे मिला नहीं हूँ कभी. मेरे मन में घबराहट हो रही है थोड़ी सी. हाँ बेटा मिलूंगा तुझसे किसी दिन, अच्छे से मिलूंगा. आज मुझे डर लग रहा है, पहली बार है ना, आज मेरा फर्स्ट टाइम है. ठीक है मिलते तुझसे. तो सनी भाई ये अपने गौरव भाई. हेलो भाई. भाई बढ़िया हो? और ये जो इनके पास बैठा हुआ है, ये है तिब्बतन मैस्टिफ का पपी, और इसकी मदर है कैंडी, वो उधर पीछे बंधी हुई है. सो गाइस ये देखिए, ये अपनी कैंडी, तिब्बतन मैस्टिफ की फीमेल है ये, और काफी ज्यादा एग्रेसिव है ये, इसीलिए मैं इसके पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा. मैं नहीं इससे हेलो मिलाने वाला, ना ही मैं इसके पास जाने वाला हूँ. मैं आपको दूर से ही शॉट ले रहा हूँ, मैंने जूम कर रखा है. मैं पास में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा इसके. इसके पास जाने का रिस्क मैं नहीं ले सकता, क्योंकि तिब्बतन मैस्टिफ एक प्रोटेक्टिव डॉग होता है, और उसकी प्रोटेक्शन पे कोई भी डाउट नहीं किया जा सकता. मैं इसे कभी मिला नहीं हूँ, तो मैं इसके पास जाने का रिस्क बिल्कुल नहीं लूंगा गाइस. और आप भी कभी किसी तिब्बतन मैस्टिफ के पास जाने का रिस्क ना लीजिएगा, जब तक उसका ओनर ये नहीं बोलता कि ये फ्रेंडली है, ये कुछ नहीं कहेगी. कभी भी ये गलती मत कीजिएगा गाइस. मैं आपको दूर से ही दिखा रहा हूँ जूम करके. और ये देखो गाइस, इसका हेड देखो, इसके पंजे देखो गाइस. ये देखो, ये है हमारी कैंडी के पपीज, इतने क्यूट क्यूट है. इनके नाम भी हमने देसी रखे हुए हैं गौरव भाई ने. इसका नाम कालू और इसका लालू.
ये देखो कैसे लोटपोट हो रहे हैं मिट्टी में। मिट्टी इनके लिए काफी अच्छी रहती है, खेलते हैं गर्मियों में मिट्टी में लेटे रहते हैं। भाई प्योर ही है, मिक्स कौन बता देगा इनको। बाजार में बोटिया ने भी कर दी। हाँ बाजार में तो भाई काफी मिक्सिंग चली हुई है, बोटिया को तिब्बतीन से करा के उसके पपीज को तिब्बतीन कह के सेल कर देते हैं। ये देखो गाइस कितने क्यूट है, ये एक महीने के पपीज हैं, इनके टीथ अच्छी तरह से निकल चुके हैं। ये देखो इसके कान प्रॉपरली आगे आए हुए हैं, ये देखो। और इनके नोट पर सेल है भाई, पंजे देख लो गाइस, ये सेल के लिए नहीं है बिल्कुल भी, ये मैं आपको बस पपीज दिखाने लाया हूँ कि कितने क्यूट पपीज हैं, बस मैं क्वालिटी दिखाने के लिए आया हूँ यहाँ पे भाई के फार्म पे, ये सेल के लिए नहीं है। ये देखो गाइस इनकी मस्ती चली हुई है, आपस में खेल रहे हैं कैसे। भाई मुझे तो कालू ही पसंद आया, सबसे अच्छा यही लग रहा है। ये बहुत क्यूट है, इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा है, इसका रेयर कलर है ना, ये कितना क्यूट लग रहा है। एक ही रहा, ये देखो बालू सा है, व्हाइट में आ रहा है, ये व्हाइट क्रीम कलर में है, ये क्रीम ब्लैक और व्हाइट रेयर कलर। ये तो मेरी उंगली चाट रहा है, ये सारे के सारे मेरे पीछे पड़ गए। ये देखो गाइस मतलब एक टेक बढ़िया, सारे के सारे मेरे पीछे पड़ गए। पांचवा गाय उसको भी लेके आओ भाई, कहाँ भाग गया, लेके आना भैया एक बार फीमेल को। ये देखो गाइस ये सबसे अच्छा है, यूनिक है, आप लोग इनको देख के जज नहीं कर पाओगे, इसको देख के जज कर सकते हो कि तिब्बतीन मैस्टिफ है। इनका भी आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि इनका कलर अलग है, तो इस वजह से आप पहचान नहीं पाओगे। ये देखो गाइस ये फीमेल कितनी प्यारी है यार, ये एक्टिव भी बहुत ज्यादा है, ये इन बाकी सभी पपीज से ज्यादा एक्टिव है। ये देखो गाइस सबसे एक्टिव है ये फीमेल, वाकई में बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, लोग वैसे ही मेल के पीछे पड़े रहते हैं कि मेल लेंगे मेल लेंगे। ये देखिए कितनी एक्टिव है, कितनी प्यारी है, ये देखो सारे के सारे मेरे पीछे पड़ गए। ये देखो गाइस उंगली काट रहा मेरी, सारे बालू हुए थे भाई, सारे के सारे पपीज बिल्कुल प्यारे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे। ये तो यार देख मेरी उंगली काट रहा अभी से, इसको मेरी उंगली काटने की पड़ी हुई है। ये देखो गाइस कितने क्यूट है सारे के सारे, तीनों के तीनों ना मेरी उंगलियों पे बुड़के भरने में लगे हुए हैं। कालू को तो देखो, कालू तो बैठ के चबा रहा है, एकदम शेर के जैसे बैठा हुआ है। देखियो पंजा भी रख रहा है अपना उठा के, कि मैं नहीं जाने दूंगा तेरे को, आज तो तू मेरा हो गया। ये देखो उसने भी छोड़ दिया, ये नहीं छोड़ रहा है। अरे भाई आज तबा के ही मारने का, हड्डी नहीं है पंजा नहीं है मुर्गी का, मेरी उंगली है भाई। ये आ गई लाल, देखो आपने ये व्हाइट फोर्स देखो इस, अरे अरे उंगली जाएगी, देख उंगली में छेद कर दिया, दिखाइयो मार दिया दांत। ये गाइस ये देखो खून निकला है, इतने छोटे से पपी ने उंगली में दांत मार दिया। तो गाइस आप अंदाजा लगा सकते हो इतने छोटे से पपी ने मेरी उंगली का ये हाल किया है, तो ये बड़े होके क्या ही कर सकते हैं। तो गाइस इसीलिए मैं कैंडी के पास नहीं जा रहा था। राहुल भाई सकते हो ना, राहुल भाई बच के रहो, कभी उंगली ना मिले आपकी। भाई मैं तो मजाक में इनके मुंह में दे दी, इसने तो दांत ही चुभा दिया, पूरा अंदर घुसा दिया। बच के रहो भाई, बच के रहूंगा, आप नहीं डालूंगा मैं इनके मुंह में उंगली। तो गाइस क्वालिटी चेक करो आप, क्वालिटी देखो कितने ज्यादा हैवी पपीज है और कितने क्यूट है। इनका कलर मार्किंग देखो कितनी प्यारी कलर मार्किंग है, रेयर कलर है इनका। ये देखो गाइस कितने हैवी पपीज, ये देखो गाइस कितनी हैवी क्वालिटी के पपीज है ना। ये तो ब्लैक डायमंड है भाई। हाँ ये ब्लैक 10 पपी है, इसी हाँ। वैसे पहुंच ज्यादा होती है, इसी को लोग ज्यादा पहचानते हैं, और ये कलर जो है ये रेयर है, ये आसानी से मिलता नहीं है। ये दोनों ही बच्चे हैं भाई, ये देखो लड़ रहे हैं, देख सनी देख कैसे लड़ रहे थे, देख ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव लोग होते हैं, इनको पालना हर किसी के बस की बात नहीं है। तिब्बतीन मैस्टिफ पालना एक शेर पालने के बराबर है। ये देखो गाइस कैंडी कैसे भौंकने लग गई है कि इसके पपीज के पास ना जाए, सन्नी इसके पपीज के पास जाने की कोशिश कर रहा था, तो ये कैंडी भौंकने लग गई है, अग्रेसिव मोड में हो गई है, शेर के जैसे दहाड़ रही है कैंडी। इसके पपीज को कोई हाथ भी लगाए ना ये बीच में से फाड़ देगी गाइस। बस कैंडी बस कुछ नहीं कह रहा हूं तेरे पपीज को। गाइस कैंडी ना गुस्से में हो गई है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई है कैंडी। सो गाइस देखा आपने कितने क्यूट पपीज थे कैंडी के, और अब चलते हैं फार्म पे। फार्म पे पहुंच के आपको दिखाते हैं हंटर, मिलते हैं आपसे फार्म पे पहुंचने के बाद। हाँ भाई एक मैं बाहर बैठा हुआ हूँ ना, तो हंटर को ये हो रहा है कि मेरे पास क्यों नहीं बैठा है, बार बार मुझे बुला रहा है, अंदर से कू कर रहा है कि मेरे पास आओ मेरे पास। हाँ इसका मन नहीं लग रहा है ना, ये कह रहा है मेरे साथ खेलो, इसके पास चलते हैं। इसको हमेशा हेलो करनी होती है, हमेशा अपने सिर पे हाथ फिरवाना होता है, इसको बस यही काम। चलो अंदर चलते हैं।
तो गाइस देखो ये ना मेरे पास आ गया और मेरे से हेलो कर रहा है अपने आप। इससे कर दूसरे हाथ से। कितना समझदार है राहुल भाई ने ना, बिल्कुल एकदम परफेक्ट ट्रेन कर रखा है इसको। ये मेरा सबसे पहला डॉग है। हाँ देखो, ये सबसे पहला डॉग और सबसे प्यारा है। हाँ बिल्कुल। इतना यार मतलब ब्रीड वैसे डेंजरस डॉग्स में काउंट होती है, लेकिन डॉग को ना मैंने इतना प्यारा बना रखा, कोई इसको डेंजरस बोल नहीं सकता। देख कितने प्यार से तेरे पास बैठा हुआ। बिल्कुल भाई, मुझे तो ना डर लग रहा था शुरू में इससे, लेकिन है ना बहुत अच्छा डॉग है, बहुत प्यारा यार। मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतना फ्रेंडली डॉगो नहीं देखा। नोनू भी आ गई बनाया हुआ। No, no. देखो कहाँ से आई है, देखो ये अंदर घुस जाती है, ये कहती है मुझसे प्यार कर एंटर। हाँ। इसकी तो एक खास आदत है, ये एंटर को हटा देती है। अब एंटर आएगा, देख अब एंटर बोल रहा है मेरे से प्यार करो, मेरे साथ खेलो। मेरे को बोल, मैं इसलिए फंस जाता हूँ दो डॉग्स के बीच में। वो कहता मुझसे प्यार कर, ये कहती है मुझसे प्यार कर। और वो तो भाई इनकी बनती नहीं है ना के साथ, अदरवाइज मुझे तो ये घेर लेते तीनों के तीनों। है ना, आपको भी चाहिए कि मैं उसको प्यार करूँ, इनको छोड़ दूँ। और गाइस आप लोगों के लिए ना एक सरप्राइज है, वो ना हम नेक्स्ट दो चार वीडियो के बाद रिवील करेंगे। हाँ सरप्राइज है गाइस, बने रहिएगा आप चैनल पे। चलो अब अंदर चलो, अब हमारा जाने का टाइम हो गया, चलो अब अंदर। तो गाइस अब शाम हो चुकी है, हंटर नोनो को हमने अंदर कर दिया है और ड्रैगन को अब हम निकाल रहे हैं, अब हम घर पे जा रहे हैं। तो गाइस फार्म से तो हम आ चुके थे, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, शेयर करे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।